मॉर्निंग, आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और एक नई सुबह और एक नई शुरुआत के साथ मैंने आज का व्लॉग भी स्टार्ट कर ही दिया है। तो गाइस, कल मैंने बताया था कि हम पापा के ननिहाल जाने वाले हैं, तो कल हम आराम से यहाँ पहुँच गए थे। और बाकी अभी हम जिस जगह गए हुए हैं यहाँ का नाम है लमगड़ा, और हम जिस गाँव में गए हुए हैं उसका नाम है कंडरा। तो अभी मॉर्निंग के मतलब 7 बज रहे हैं और हम अभी जा रहे थे इनके जो गाँव है मतलब पुराना गाँव, तो अभी हम गाँव के लिए निकले थे। फिलहाल अभी आप देख सकते हो हम लोग रोड से नीचे जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। बाकी आपको दिखाऊंगा कि पहाड़ के जो गांव होते हैं वो किस टाइप के होते हैं और घर वगैरह इनकी जो बनावट होती है वो किस टाइप की होती है। बाकी आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं, यहाँ जो है पहाड़ ही पहाड़ हैं काफ़ी ज़्यादा। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं मतलब जो गांव है वहां पहुंचने वाले हैं, और अभी हम रोड में। बाकी आप देख सकते हैं जो गांव है मैं आपको दिखाऊंगा। वो देखो जो उधर बहुत सारे आपको घर दिख रहे होंगे ना, वो जो इनका मतलब पुराना गांव है। तो आज हम निकले हुए थे इनविटेशन देने, और हमारे साथ 3 लोग हैं, मैं हूँ और चाचा जी हैं। वो लोग थोड़ा आगे चले गए, खेत वो एकदम सीढ़ीदार खेत है और काफ़ी प्यारा व्यू है, और थोड़ा कोहरा लगा हुआ है तो इस वजह से थोड़ा साफ भी आता है। बाकी हम मजा लीजिए। तो गाइस अभी हमने सब जगह इनविटेशन दे दिया है और अभी हम निकल रहे हैं घर को, और आप देख सकते हैं चचा जी और वो जो भाई हमारे साथ आए थे, तो हम यहाँ से कुछ मतलब शादी वगैरह के लिए हमें जो डेग बड़े तो वो भी हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये सारे पीछे जो है लंबा सा ये सारे पत्थर के घर बने हुए हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। फाइनली हम लोग घर पहुँच गए और सामान भी लेके आ गए, बाकी नाश्ता वास्ता हो गया। और अभी हमारा थोड़ा घर पे मतलब हम काम कर रहे थे, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे चाचा और मनीषा फूल बना रहे हैं पेंट से, और बाकी इन्होंने कई फूल बना दिए। गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने भी अपना काम कंप्लीट कर दिया है, लेकिन चाचा जी ने थोड़ा मिस्टेक कर दी थी, उन्होंने चौके में रेड कलर कर दिया था, तो फिर मार्केट गए दोबारा कलर लेके आए और अब दोबारा कर रहे हैं, तो वो तो लगे हैं। बट मैंने जो मेरा काम था ये देखो आप, मैंने एकदम पूरा फिनिश कर दिया अपना आर्ट, इसमें निहार दी है बढ़िया करके, और ये देख सकते हैं आप दूर से इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, इतना प्यारा सा लग रहा है। गुड मॉर्निंग, आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो एक नई सुबह और नई शुरुआत के साथ मैंने आज का व्लॉग भी स्टार्ट कर ही दिया है। सो गाइस आज यहाँ होने वाली है
महिला संगीत तो अभी चल रही है तैयारी भी। और सुबह का आप देख सकते हैं मौसम जो है एकदम बढ़िया, हल्का सी धूप आई हुई है। और बाकी आप उधर देख सकते हैं थोड़ा कोहरा लगा हुआ है। बाकी फ़िलहाल अभी सभी लोग तैयारी की ओर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो मैंने भी ब्लॉग स्टार्ट कर ही दिया है। सो गाइस अभी बज चुके 9 और मैं अभी बनाने लग गया हूँ मैगी, क्योंकि सभी लोग अभी नहाने वाने की तैयारी चल रही है तो कोई फ्री है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही मैगी बना लूँ। और अभी मेरी मैगी तैयार हो रही है, मेरे साथ मेरी हेल्प कर रही है बुआ जी जिनकी शादी है, इसलिए मैंने कहा बुआ लाओ थोड़ा मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ, इसलिए मैंने मैगी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मैगी बनाते हैं और नाश्ता वास्ता करते हैं बढ़िया करके। तो भाई नाश्ता वास्ता तो हो गया है और बाकी अभी सब लोग लगे हुए हैं शादी की तैयारी पे, तो मैं अभी जाता हूँ और देखता हूँ उनके साथ, उनकी थोड़ा हेल्प करता हूँ। और बाकी तो सो गाइस अभी बज गए 2 और यहाँ गृह प्रवेश की जो तैयारी थी वो हो चुकी है, हवन वगैरह हो चुका है। और अभी मतलब जो यहाँ के आम लोग थे वो गृह प्रवेश करने जा रहे हैं। गृह प्रवेश तो हो चुका है और बाकी अभी सब लोग ये छोटी वगैरह सब लोग तैयार हो गए, तो अभी कुछ ही देर में हल्दी का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है और बाकी सब लोग तैयार हो गए हैं। जैसे ही हल्दी का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा वैसे ही मैरिज संगीत स्टार्ट हो जाएगी, तो वैसे थोड़ा लेट तो हो गई है, तो समथिंग 4 बजे के बाद ही शायद मैरिज संगीत स्टार्ट हो पाए। तो आप देख सकते हैं हमारी छोटी बुआ जी तैयार होकर आ चुकी हैं और इनका भी डांस आने वाला है, एकदम धांसू परफॉर्मेंस देने वाली है बढ़िया तरीके से। बाकी ये हैं चचा जी हमारे, चचा जी का नाम है विजय और ये है मनीषा। तो बाकी सब लोग रेडी वगैरह हो गए हैं और मैराथन की स्टार्ट होने वाली है, तो उसी के एक्साइटमेंट में सब लोग डांस वांस तैयार करके रेडी है अब जैसे ही। तो अभी हल्दी और पूजा वगैरह सब हो चुका है और बुआ जी भी तैयार होके, तो अब कुछ ही देर बाद क्या कहते हैं महिला संगीत स्टार्ट होगी और उसके बाद आपको दिखाएंगे बुआ जी का धांसू डांस। और ये है हमारी अम्मा जी जो बुआ जी की मम्मी है। यहाँ पे महिला संगीत स्टार्ट और डीजे बज चुका है। Thank you.
तो गाइस महले संगीत हो चुकी है ख़त्म और अभी बज गए शाम के 7 और आप देख सकते हैं सभी लोग डांस का आनंद ले रहे हैं। महले संगीत एकदम बढ़िया करके निपट गई थी, बाकी सभी लोग अभी इंजॉय कर रहे हैं डांस का। तो गाइस सभी चल रहा है पहाड़ी झूला और देख सकते हैं आप जो हमारे पीछे मतलब सभी लोग लगे हुए हैं, तो यहाँ पे सब लोग पहाड़ी झूला गा रहे हैं और बढ़िया यहाँ पे लग रहा है, बाकी सभी लोग बढ़िया तरीके से हिले, पीछे चाचा जी भी आपको दिख रहे होंगे। फाइनली मेहंदी प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए भी लोग आ चुके हैं और बुआ जी बैठ चुकी हैं और बाकी मेहंदी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे डिनर। तो सभी लोग बढ़िया करके पहाड़ी स्टाइल में नीचे बैठ के सभी लोगों को बढ़िया करके एकदम तरीके से बन चुके हैं 12 और मेहंदी की रस्म आधी तो निपट चुकी है। एक बुआ जी पाँव में मेहंदी लगा रही है और बाकी दो जने हाथों पे, तो आधी रस्म हो चुकी है और देखो अभी 12 बज गए। मेहंदी की रस्म हो गई है पूरी और टाइम भी हो चुका है 1 बज गए और बुआ जी की पूरी मेहंदी हाथों और पाँव में कंप्लीट हो गई है। अब बुआ जी भी रेस्ट करेंगे क्योंकि कल की तैयारी भी करनी है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा होगा